अकोला 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मरीजों की कोरोना जांच में गति एवं सुधार लाने की समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष महमूद खान पठान ने की मांग। अकोला महानगर में कोरोना का संकट बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ है। नित्य कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होकर अब कोरोना मरीजों का यह आंकड़ा 525 से भी ज्यादा हुआ है। कोरोना मरीजों की रिपोर्ट में सुधार लाकर इसकी जाँच शासकीय मेडिकल कॉलेज व शासकीय अस्पताल की जाँच में सुधार लाने की मांग अकोला महानगर सपा के अध्यक्ष महमूद खान पठान ने जिला अधिकारी को शुक्रवार को निवेदन देकर की है। अकोला के कोरोना मरीजों के जांच परिणाम नागपुर से आने से मरीजों के सुधार में 5 दिन की लंबी देरी हो रही है। इस देरी से मरीज की हालत दिन ब दिन खराब होकर मरीजों की मृत्यु संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ मरीजों में स्वास्थ्य के प्रति घबराहट तथा दूसरी तरफ जाँच रिपोर्ट की देरी से मरीजों की संख्या बढ़ने की बात निवेदन में की गई है। यदि मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आती है तथा उसे बाद में खांसी बुखार आता है तो सरकारी अस्पताल केवल कोरोना मरीजों की ही जांच करने से मरीज को निजी अस्पताल का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। वहां उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों में सामान्य उपचार करने आए मरीजों को सीधे दोबारा कोरोना लक्षण की जाँच करने को कहा जाता है। शासन ने ऐसी खामियां तुरंत दूर कर खांसी बुखार दमा जैसे मरीजों को दोबारा कोरोना जांच के निर्देश को रद्द कर मरीजों को नाहक परेशान करने वाले निजी डॉक्टर्स पर कठोर कार्रवाई करने की मांग महमूद खान पठान ने इस निवेदन में की है। यह निवेदन निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से को महमूद खान पठान के नेतृत्व में दिया गया। इस अवसर पर कैफ खान, वसीम खान, बबलू भाई, मुजाहिद खान, जावेद ईरानी, शेख समीर समेत समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हमने माननीय जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन दिया, जिसमें बताया गया है कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अकोला शहर में 524 हो गए हैं। बहुत ज़्यादा कोरोना की अकोला शहर में बढ़ोतरी हो रही है। प्रशासन क्या कर रहा है, इसके चलते आज हमने जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी खड़से साहब को एक निवेदन दिया और निवेदन में हमने ये बताया कि जो लोग हॉस्पिटल के अंदर जाके कोरोना की टेस्ट करा रहे हैं उनकी रिपोर्ट 5 से 7 दिन में आ रही है, जो कि वो रिपोर्ट सिर्फ 2 या 2 दिन में आना चाहिए। ये 7 दिन में रिपोर्ट आने के बावजूद भी मौत का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए प्रशासन ने जल्द से जल्द रिपोर्ट लाने की कोशिश करना चाहिए। इसके चलते मेन हॉस्पिटल के अंदर ही कोरोना किट तैयार करके कोरोना चेकअप जल्द से जल्द करना चाहिए, ऐसी हमने डिमांड की। और निवेदन में आगे ये बताया गया है जो लोग निगेटिव आ रहे हैं उनकी सरकार की तरफ से उनको एक फॉर्म दिया जा रहा है, जिसके अंदर उनको सबूत है कि वो इस बीमारी से मुक्त है, लेकिन उसके चलते भी अगर उन्हें खांसी, सर्दी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर की अगर जैसी बीमारी भी नॉर्मल बीमारी भी अगर हो रही है तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं भर्ती कराया जा रहा है, जिसके चलते मौत का आंकड़ा अकोला शहर में आसमान को छू रहा है। मैंने गुजारिश किया हूँ अकोला समाजवादी पार्टी की ओर से कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो लोग ऐसे मरीजों के साथ अनदेखा कर रहे हैं ऐसे डॉक्टरों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उन डॉक्टरों को तकल एक आदेश निकाला जाए कि जो लोग पॉजिटिव नहीं हैं, निगेटिव है, उनको अपने हॉस्पिटल में भर्ती करके उनका बेहतर से बेहतर इलाज करना चाहिए। ऐसी मांग आज हमने अकोला जिला के उप जिलाधिकारी खड़से साहब से किया और उन्होंने विश्वास जताया है कि मैं जल्द से जल्द ऐसा आदेश निकालने की कोशिश करूँगा। अकोला 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।